जोर के निवेदन कर रहा हूँ दिल्ली सरकार से और दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने बाल बच्चे बड़े मुश्किल से पाल। एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए, ये 60 साल की नौकरी की गारंटी होनी चाहिए कि मैं यहाँ 60 साल अपने परिवार के लिए काम कर सकता हूँ, उनको अच्छा भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। तो आने वाले समय में हम बसों का चक्का जाम भी कर सकते हैं, और ये मेरी एक छोटे से कर्मचारी की आवाज है। मैं डीटीसी में रहूं या ना रहूं, लेकिन अपने भाइयों के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। मेरी पहचान देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम मेरे पीछे देख रहे होंगे दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली में ये डीटीसी का मुख्यालय है इंद्रप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ बस डिपो इसको कहा जाता है। डीटीसी के सभी बड़े से बड़े आला अधिकारी यहीं बैठते हैं। आज यहाँ आने का मुख्य कारण है जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं, उन्होंने आज यहाँ मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया है। क्यों धरना प्रदर्शन किया है, क्या उनकी डिमांड है, एक बार चलते हैं बात करते हैं डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों से। आइए एक बार बात करके देखो। अभी हमारे साथ हैं ये जो आज डीटीसी का धरना है, इनके मुख्य प्रायोजक संयोजक। एक बार सर आप अपना परिचय दीजिए पहले चैनल में। सर मेरा नाम ललित चौधरी है, मैं डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ और वर्तमान में इनके लिए कानूनी सहायता का प्रबंध करता हूँ। तो ललित जी, जो आज ये डीटीसी के कंडक्टर और ड्राइवर भाई आज यहाँ इंद्रप्रस्थ डिपो मुख्यालय है, ये आपके डीटीसी के आला अधिकारी सब यहीं बैठते हैं, तो आज इसके आगे इन्हें धरना प्रदर्शन करने की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या वजह है ये आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं? देखिए, धरना प्रदर्शन मुख्यतः ये इसलिए है कि हमारे विभाग द्वारा कर्मचारियों पर बहुत शोषण किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए, राजधानी है भारत की, और भारत की राजधानी के अंदर कानूनों का इतना बड़ा उल्लंघन, यहाँ पर 8.5 घंटे का जो एक प्रावधान बनाया हुआ है कि 8.5 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पर 12 घंटे 14 घंटे तक का काम लिया जा रहा है। और यहाँ आपने इतने सारे देखे ना, इनमें बहुत से ड्राइवर हैं, बहुत से कंडक्टर हैं, कुछ सफाई कर्मचारी हैं। देखिए, आज महंगाई के जमाने में 8 घंटे काम करने के बाद तो पूरा नहीं पड़ पाता, यहाँ पे सफाई कर्मचारियों को 4 घंटे का वेतन दिया जाता है, 4 घंटे का काम लिया जाता है। अच्छा, जैसे यहाँ अलग अलग होर्डिंग लगे हुए हैं, जैसे एक होर्डिंग पे लिखा है डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को तुरंत परमानेंट नौकरी पे रखा जाए, ये क्या मांग है? देखिए जी, आप लगातार देखते आ रहे होंगे दिल्ली सरकार जो तत्कालीन है, ये जो वर्तमान में है, ये पिछले 3 बार से है, वो तीनों बार अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने आकर कहा, यहाँ पर आकर लिख के भी दिया है, कहा भी है, अपने मैनिफेस्टो में भी छापा है कि डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। हम कब तक इंतजार करें? ये तो सरकार को इस समय 10 साल हो चुके हैं, तीसरा चुनाव भी आ गया है, तो क्या इसमें मतलब आपके जो डीटीसी के अधिकारी हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं, आपके आला अधिकारी हैं, ये आप उनसे डिमांड कर रहे हैं या ये मांग दिल्ली सरकार से आप लोगों की? देखिए, ये हमारा विभाग पूरी तरीके से दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, और ये जो डिमांड है हमने विभाग से रखी है। कई बार विभाग का जवाब आया कि दिल्ली सरकार ये अगर इस पर कोई प्रावधान करती है कि इन्हें पक्का किया जाएगा तो हम करने के लिए तैयार हैं। तो वो एक तरफ, देखिए यहाँ बड़ी विडंबना का विषय है कि वो ही तो सरकार है, वो ही हमारा विभाग है, ये मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखो इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी जो इत्तेफाक से इस डीटीसी के चेयरमैन भी हैं, कभी ऐसा होता है कोई राजनीतिक बंदा चेयरमैन किसी सरकारी विभाग का, लेकिन यहाँ हो रहा है। हम अपने विभाग से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं दिल्ली सरकार बताएगी, दिल्ली सरकार से सवाल करते हैं तो वो कहते हैं विभाग बताएगा। अब यहाँ तो विडंबना ये है कि विभाग भी वही है, सरकार भी वही है, वही चाचा है, वही भतीजा है, और चाचा कोई है ही नहीं।
अच्छा, जैसे अभी एक आपके कर्मचारी ने ही बताया कि भाई जो जैसे किसी के मान लो पिताजी की डेथ होगी और वो सरकारी नौकरी पे थे डीटीसी में, तो उनके बच्चों को उनकी जगह पक्की नौकरी ना देके कच्ची नौकरियां दी गई हैं। जब मैंने उनकी बाइट लेना चाहिए तो वो डर गया, वो बोल नहीं पा कि भाई कल ही मेरे को नोटिस मिल जाएगा। ये दबाव किसका है, क्यों डर रहे हैं इतने जो सामने आके बोल भी नहीं रहे हैं? देखिए, जो हमारे आला अधिकारी बैठे हैं ना यहाँ, भगवान ना करे उनके साथ कुछ ऐसा हो, लेकिन जो कर्मचारी यहाँ सेवा देते हुए 30 साल 40 साल 35 साल 20 साल 10 साल सेवा देते हुए शहीद हो गए, मैं शहीद ही कहूंगा उन्हें क्योंकि देश की सेवा कर रहे थे, उनके शहीदों के जो आश्रित हैं वो 15 सालों से, पिछले 15 सालों से इस इंतजार में है कि उन्हें पक्की नौकरी दी जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कोई ऐसा विभाग नहीं है जहां पर अपने उनके कर्मचारियों के आश्रितों को पक्की नौकरी नहीं दी जाती, लेकिन ये ऐसा सरकारी विभाग है जहां कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी दी जाती है और उस नौकरी का भी पता नहीं कब छीन ली जाए, क्योंकि जो हमारे अधिकारी उनकी तानाशाही इतनी है। जैसा आपने बताया ना, बाइट देने से डर गए। एक साथी बीबीएम डिपो पर मुझे चाय ला के दे रहा था, मैं धरना प्रदर्शन की जानकारी देने वहां गया हुआ था, तो मुझे वो चाय ला के दे रहा था, उसका फोटो किसी ने खींच के अधिकारी को दिखा दिया कि इसने इसको चाय दी है। इस चाय देने पर उसकी नौकरी चली गई, उसे टर्मिनेट कर दिया गया। तो ये बोलने पर तो उसको मुझे लग रहा है इतना जुर्माना लगा देंगे, उसे घर बेच के देना पड़ेगा इनको। तो ललित जी, आपकी इस धरने से मतलब यहाँ जो आपके आला अधिकारी बैठे हैं, दिल्ली सरकार है, क्या क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं जी, देखो हम पिछले 15 सालों से यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तो वो नौकरी हमारी ऐसी सिक्योर हो कि हमें पता हो कि कल को छोड़ के हमें दूसरी जगह इंटरव्यू ना देने जाना पड़े। हमारे साथ देखिए, कहीं भी एग्रीमेंट का जो शब्द आता है वो आता है कहीं एक पर्टिकुलर एक समय सीमा हो कि भाई इस समय में ये काम खत्म होना है, लेकिन यहाँ तो एवरेज चलने वाली ये संस्था है, 24 घंटे चलती है, 365 दिन चलती है, सालों साल से चलती आ रही है, तो इसके लिए एक साल का एग्रीमेंट क्यों? एग्रीमेंट खत्म होना चाहिए, ये 60 साल की नौकरी की गारंटी होनी चाहिए कि मैं यहाँ 60 साल अपने परिवार के लिए काम कर सकता हूँ, उनको अच्छा भोजन, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी शिक्षा दे सकूं। लेकिन यहाँ तो इतनी तानाशाही हो रही है, श्रम कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, यहाँ परमानेंट कर्मचारियों को 5,000 रुपये टीए दिया जाता है घर से आने जाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा ललित जी, एक बात और बताइए, जैसे अभी डीटीसी के बेड़े में जो भी बसें आ रही हैं वो हमने सुना कि सारी प्राइवेट बसें हैं और उन पे कंडक्टर तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किए जाते हैं, लेकिन ड्राइवर हमने सुना कि कंपनी खुद के मंगाती है, जो डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर है उनको उस पे रखा नहीं जाता, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, ये विषय हमसे भी ज्यादा दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ है, उनकी जान माल से जुड़ा हुआ है। देखिए, कहीं भी कोई किसी कर्मचारी को भर्ती करता है, कोई अधिकारी या कोई विभाग, तो सबसे पहले कहते हैं कि आपको अनुभव कहाँ का है, आपको इस काम का अनुभव है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा अनुभवी लोग को अपने पास रखा जाता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है, जो 20-20 साल से नौकरी कर रहे हैं इस डीटीसी में, दिल्ली की जनता को पहचानते हैं, इस भीड़ में चलना जानते हैं, इतनी बड़ी बस को लेकर घूमते हैं, उनके अनुभव को दरकिनार करते हुए यहाँ उन प्राइवेट लालाओं को जिनकी ये बसें आ रही हैं उनको ही आदेश दिया गया है या उनके साथ संधि की गई है, एग्रीमेंट किया गया है कि ड्राइवर भी आप ही रखेंगे। और अब तो कंडक्टरों के साथ भी ऐसा होने वाला है, क्योंकि जो मोहल्ला बसें लाई गई हैं उसमें कंडक्टर भी पैराग्रीन कंपनी का 722 रुपये की दिहाड़ी पर, मतलब बंधुआ मजदूरी पर रखा जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात एक ये, जो पुरानी बसें थी सरकारी, जो पुरानी बसें थी उनकी म्याद अब खत्म होगी और डिपो के डिपो बंद हो रहे हैं, और डिपो बंद होने के बाद में जो ड्राइवर और कंडक्टरों के तबादले किए हैं वो भी 50-50 किलोमीटर दूर कर दिए गए हैं। जैसे अभी आपने भाषण दिया उसमें हम सुन रहे थे कि अभी 50-50 किलोमीटर रात के 10-10, 11-11 बजे वो आते हैं, कुछ अप्रिय घटनाएं हो जाती है, किसी को चक्कू मार दिया, किसी के साथ छीना झपटी कर दी, तो ये तबादले तो ऐसी जगह कर सकते हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में 20 के में तबादले भी इतनी दूर क्यों कर रही है, तो इनके हाथ में ही है। सर देखिए, बात बड़ी हो जाएगी, ये एक तो ये अनैतिक है बिल्कुल, एक तो आप टीए नहीं देते और इतनी दूर उन्हें भेज दिया गया। ये देखिए एक षड्यंत्र है, इन प्राइवेट कंपनियां जो ये बसें लेके आ रही है ना, ये ड्राइवर तो फैक्ट्री में तो बनते नहीं है, या पढ़ाई लिखाई करके बनाए जाते हो, ड्राइवर तो बेचारा वो बनता है जो पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर रह जाता है या घर के हालात अच्छे नहीं होते,
तो ड्राइवर मजबूरी में वही बनता है, लेकिन इनको ड्राइवर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ड्राइवर तो उतने ही हैं गिने चुने। उनकी ड्राइवरों की नफरी को पूरा करने के लिए इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है, इतनी दूर देखिए, जो डिपो मान लो 3 डिपो बंद हो गए, उन तीनों के स्टाफ को उठा के एक डिपो में डाल दिया जहाँ पे अभी बसें बची हुई हैं कुछ, तो ये 4 डिपो का स्टाफ एक ही जगह में है। अभी आपस में लड़ते रहेंगे, मैं ड्यूटी लूंगा, मैं लूंगा, मैं लूंगा, ड्यूटी का पैसा उसे ही मिलेगा जो उस दिन बस चलाएगा। तो वहां पे नफरी इतनी ज्यादा, इतने परेशान हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, इतनी दूर आने जाने में, बालक बीमार है, कोई घर पे रहूं या वहां रहूं, इतना मानसिक जब तनाव बढ़ जाएगा ना, ये अपने आप ही इनके पास जाएंगे, बाबूजी इस बस में हमें ड्यूटी दे दो। तो इनके पास पर्याप्त ड्राइवरों की नफरी करने के लिए इन अनुभवी ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है, इनको नौकरी से निकालने का षड्यंत्र रखा जा रहा है। डायरेक्ट तो नहीं निकालेंगे कि भाई जाओ नौकरी से निकाल दिया, इनको इतना परेशान कर देंगे अपने आप छोड़ के उधर चले जाएंगे, और चले भी गए 10 जो वहां ड्राइवर चला रहे हैं ना, वो इधर उधर के नहीं, कुछ तो गांव देहात से आ गए, ट्रैक्टर वाले, टेम्पो वाले, लेकिन उसमें कुछ परसेंट हमारे कर्मचारी ही चले गए परेशान होकर। अच्छा, चैनल के माध्यम से आज इस धरने पे जो आप आए हो, जो अपने कैलाश गहलोत जी आपने बताया डीटीसी के चेयरमैन बना रखे हैं, या आपके जो डीटीसी के आला अधिकारी हैं, चैनल के माध्यम से इस धरने की क्या आवाज आप पहुंचाना चाहते हो, क्या मुख्य डिमांड है, क्या इनको सुनाने के लिए आज एकत्रित हुआ, अंतिम सवाल? देखो, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि कर्मचारी की आवाज को आप हमारे संबंधित अधिकारियों मंत्रियों तक पहुंचा रहे हैं। हमारी एक ही डिमांड है, हाथ जोड़कर निवेदन भी है, देखो कुछ कड़ी बातें कहीं भी हो अधिकारियों को मंत्रियों को तो हमारे दिल से निकल रही है, परेशान है हम, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी भी हम आपके वोटर भी हैं, आपके कर्मचारी भी हैं, आपकी सपोर्ट हमेशा भी की है, आप सिर्फ जो हमारा कानूनी अधिकार है वो दे दीजिए, आप अपनी तरफ से खैरात मत दीजिए, जो हमारा कानूनी अधिकार है सिर्फ वो दे दीजिए, और हमें हमारे 60 साल की नौकरी की गारंटी दे दीजिए, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आप पक्के नहीं कर सकते, समान काम का समान वेतन दे दो, सुविधाएं मत दो, कम से कम वेतन उतना तो दे दो कि हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लें, अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करा लें, अच्छा खाना पीना उसके उनका स्वास्थ्य मतलब उनको खाना पीना अच्छा दे सके, तो हमारी यही विनती है, हम आप खैरात मत दीजिए, हमारे जो कानूनी अधिकार है हमें वो दे दीजिए। तो ये थे हमारे साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट भाई ललित चौधरी जी, जिन्होंने अपना कीमती समय दे के आज कुछ मुख्य जो इनकी मांगे थी वो बताई, और ये क्या सरकार दिल्ली सरकार से और डीटीसी से चाहते हैं, तो चैनल को समय देने के लिए धन्यवाद ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। यही धरने पे ही हमें एक ऐसे भाई मिले हैं पंकज जी, जिन्होंने अपनी नौकरी को लेकर थोड़ी सी आवाज सोशल मीडिया पे उठाई थी, यहाँ डीटीसी आला अधिकारियों ने इनको लेटर इशू करके नौकरी से निकालने तक की धमकी दे दी। ऐसी क्या बात हो गई थी कि एक आदमी अपनी आवाज भी नहीं उठा सकता? पंकज जी, पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ऐसी क्या बात हो गई थी पंकज जी, आप थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए सर, अभी दिल्ली परिवहन निगम में जो समय चल रहा है वो दिल्ली परिवहन निगम का सबसे खराब समय चल रहा है पिछले 10 सालों के अंदर, क्योंकि पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता को बताया गया जो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली की सड़कों पे दौड़ रही हैं वे दिल्ली की सरकारी बसें हैं, और दिल्ली की सरकारी बसें जब हमारे माननीय श्री मंत्री जी हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, वो कहते हैं कि दिल्ली की सरकारी बसें हैं, तो दिल्ली की सरकारी बसों के अंदर हम सरकारी कर्मचारियों को क्यों नहीं रखा जा रहा, क्यों हमारे से रिजाइन लेकर के उनमें प्राइवेट ड्राइवर भर्ती किए जा रहे हैं, और वो लाला जो है पहले से ही वहां से रिजाइन हमारे से लेटर ले रहे हैं, तब प्राइवेट उसमें हमें भर्ती कर रहे हैं। तो पंकज जी बता रहे थे कि भाई ट्रांसफर कर देते 50-50 किलोमीटर दूर, कुछ मुट्ठी भर बसें रह गई हैं, तो ये बसें भी मान लो 6 महीने बाद जब बंद हो जाएंगी, तो कंडक्टर को तो मैंने सुना कि भाई उन्हीं बसों पे एडजस्ट कर रहे हैं जो नई बसें आ रही हैं, लेकिन ड्राइवरों का क्या होगा जो कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवर हैं? तो वही बात हम अपनी बात सरकार के सामने माननीय कैलाश गहलोत जी के सामने रखना चाहते हैं कि हम इतने सारे ड्राइवर हैं जो आज सरकार की तरफ से बेरोजगार होने की स्थिति में पहुंच गए हैं, और इस स्थिति से बचने के लिए आज हमने ये थोड़ा सा धरना प्रदर्शन किया है। दिल्ली परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग हो चुका है आज के समय में कि
ऐसा विभाग हो चुका है, अगर कोई कर्मचारी अपने हक के लिए आवाज उठाता है और अपने भाइयों के हक के लिए आवाज उठाता है तो उसे जाहिर सी बात है कि नौकरी से टर्मिनेशन का लेटर तक दिया जा सकता है। और नौकरी से टर्मिनेशन तक का लेटर दिया जा सकता है। मेरे सभी भाइयों के लिए यही चिंता है और सरकार से भी आग्रह के सभी जितनी की भी बसें चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसें, इनमें हम सरकारी कर्मचारियों को लगा जाए ना कि प्राइवेट कर्मचारी लगाए। ये आपका जो धरना चल रहा है ये क्या आज एक दिन के लिए ही है या ये लंबा चलेगा? अभी हमें सरकार को बताने के लिए कि अभी हम कर्मचारी है एक दिन के लिए आज अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रहे एक दिन के, अगर इस बात से हमारी सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आने वाले समय में हम बसों का चक्का जाम भी कर सकते हैं। और ये मेरी एक छोटे से कर्मचारी की आवाज है, मैं DTC में रहूं या ना रहूं लेकिन अपने भाइयों के लिए आवाज जरूर उठाऊंगा। तो पंकज जी के साथ ये है कि ये ड्राइवर भाई और हैं, भाई साहब किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी? हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट बसें आ रही है इन बसों को ना लाया जाए, अगर इन बसों को लाया जा रहा है तो हम ड्राइवर कहाँ जाएंगे, हम भाई कहाँ जाएंगे? कि हमारे भाई इतने स्टाफ वाले बैठे हैं, इतने ड्राइवर हैं, कि इनको कहाँ बेचा जाएगा? हमें इनका बता दो, इनको बेचारों को कहाँ बेचा जाएगा? या फिर इन्हीं बसों पे इन ड्राइवरों को रखा जाए? अच्छा, जैसे जो प्राइवेट बसें लेके आ रही है गवर्नमेंट उनपे वो अपने ही ड्राइवर मतलब अलॉट कर रही है, आप लोगों को क्यों नहीं रख रहे, क्या कारण है? ये दिल्ली सरकार की एक विडंबना है कि इसको ये मजदूर संघ यूनियन को अलग अलग करना है, क्योंकि अगर सारे एक ही ड्राइवर होंगे तो अगर हड़ताल होगी तो सब जगह होगी। अब ये ड्राइवर गाड़ी चल रही है, बाकी हमारे डिपो की गाड़ी है सही है, कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही है, अगर एक ही ड्राइवर रहेंगे तो वो एक एक चुट होकर रहेंगे। अब इन्होंने ड्राइवर का विभाजन कर दिया, विभाजन करने के बाद टाटा के ड्राइवर अलग से है, पैराग्रीन के अलग से, क्लस्टर के अलग से, DTC के अलग से, चार विभागों में ड्राइवर बांट दिए गए ताकि इनका कोई काम ना करना पड़े, इनका कोई काम इनकी कोई बातें रखे तो इनकी बातें ना रखी जाए। अब बताइए कोई इतनी दूर 8-8 घंटे नौकरी करता है, 4 घंटे जाने में, 4 घंटे आने में, 12 घंटे नौकरी करता है, अपने बच्चों कब देखेगा वो, अपने बच्चों में समय कब देगा? अगर वो रोड भी पड़ा रहेगा 16 घंटे बाहर रोड पर नौकरी करने के बाद, बताइए बच्चों क्या है 816 रुपए में 16 घंटे नौकरी कोई नहीं कर पाएगा। ये तो हमारे DTC वाले हैं जो हर स्टैंड पे आते कहते हैं बहन जी आ जाओ, भाई साहब उतर जाओ, हर स्टैंड पे उठाते हैं, क्लस्टर की गाड़ी है तो स्टैंड पे गाड़ी भी नहीं रोकती, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी वाले स्टैंड पे गाड़ी नहीं रोकते, हमें पता है, हम हाथ देते रहते जब पिन रोकते इन क्लस्टर की गाड़ियों का तो ये हाल है, महिलाएं बेचारी खड़ी रह जाते स्टैंड पे गाड़ी नहीं रोकते। अच्छा भाई साहब कितने साल हो गए DTC में नौकरी करते हुए? मेरे सर मैं 2010 का जो है भर्ती हूँ, तो तीसरा महीना 26 तारीख से लगा हूँ। अच्छा, यानी कि आपको लगभग लगभग 14-14.5 साल के करीब हो गए। अब 15 साल बाद अचानक से सरकारी बसें बंद हो जाएंगी और आप कॉन्ट्रैक्ट के ड्राइवरों को मतलब कह रहे हैं छुट्टी कर देंगे, तो ऐसी अधेड़ उम्र में कहाँ जाओगे, क्या करोगे? यही तो हमारे सामने, तो सरकार को सोचना चाहिए। पहली बात तो सर मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ दिल्ली सरकार से और दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी से, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अपने बाल बच्चे बड़े मुश्किल से पाल रहा हूँ। अब सर मैं नागलोई डिपो में चालक के पद पे कार्यरत था, मेरे को वहाँ से उठाकर फेंक दिया गया नोएडा, जिससे 50-60 किलोमीटर का सामना करना पड़ा। अभी अभी आप वर्तमान में कहाँ पे रह रहे हो? अभी मैं नोएडा में हूँ। नहीं, नोएडा आपका डिपो है, रिहायश कहाँ है? रियाद में मुंडका में रानी खेड़ा है, मुंडका विधानसभा। तो मुंडका रानी खेड़ा से और नोएडा कितना किलोमीटर पड़ता है, कितने घंटे में जाते हो? मेरे को 3 घंटा लग जाता है सर, कभी 3.5 घंटे भी पड़ जाते हैं। वापस आने का वही समय लगता है साहब, मैं तो दो दिन वही रुका रहता हूँ तब आता हूँ घर पे, बहुत मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ। मैं परिवहन मंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारा जहाँ घर है हमें घर के नजदीक में कोई डिपो दिया जाए जिससे हमारा पालन पोषण हो सके हमारे बच्चों का। और सरकार से मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो प्राइवेट बस ला रहे हैं सरकार, प्राइवेट बस के जगह सरकारी बस भी तो आ सकती है ना, तो सरकार को कोई ऐसा दबाव तो है नहीं, वो सरकार है, सरकार तो कुछ भी कर सकती है, प्राइवेट बस लाने के जगह सरकारी बस भी तो आ सकती है ना सर। अगर सरकारी बस से ना भी आए और प्राइवेट बस पे ही आपको नौकरी दे दे
तो आपका कम से कम रोजगार तो सेफ रहेगा। हाँ जी, अगर ऐसा भी सरकार करता तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमें प्राइवेट में भी कन्वर्ट कर दे तो हम डीटीसी की तरफ से रहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। सरकार जो है समान काम समान वेतन देते, परमानेंट करे ना करे, हमारे बाल बच्चे का तो पालन पोषण हो जाएगा। सर हमारा 800 रुपया में खर्चा खुराकी नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान आत्मा हूँ। मैं तो सरकार से हाथ जोड़ के एक बार नहीं हजार बार हाथ जोड़ निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे बारे में सरकार जल्द जल्द सोच ले, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। तो ये डीटीसी के वो ड्राइवर और कंडक्टर कर्मचारी थे जिनको 6 महीने बाद ये पुरानी बसें बंद होने के बाद अपनी नौकरी जाने का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि नई बसों पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट डीटीसी के ड्राइवर है इनको नहीं रखा जा रहा, वो अपने ही तौर पे नई भर्ती करके नए ड्राइवरों को रख रहे हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आज ये लोग अपनी आवाज सरकार तक और डीटीसी के आला अधिकारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, इनकी मांग को सुना जाए। ये 15-15 साल से आपके महकमे में नौकरी करने वाले, अधेड़ उम्र इनकी हो चुकी है, आगे इनको कोई नौकरी देगा नहीं, ये कहाँ जाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पालेंगे। तो मैं इसी के साथ मेरी पहचान चैनल से ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ, जय हिंद जय भारत।